हंडिया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और उसने अफीम की खेती का पर्दाफाश किया है। अवैध खेती का पर्दाफाश करते हुए एक बड़े ऑपरेशन पर कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी को अवैध अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की जांच चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार हंडिया कोतवाली के इमामगंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नोनरा गांव में विजय कुमार मौर्य पुत्र राममिलन मौर्य के द्वारा नोनरा गांव में 10 बिस्वा जमीन में अफीम की खेती की गई थी। इस घटना के बारे में मिली सूचना के आधार पर हंडिया कोतवाली के नवागंतुक थाना प्रभारी ब्रिज किशोर ने अफीम की खेती का पर्दाफाश किया और अफीम की खेती करने वाले किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अफीम की खेती को खत्म करने के लिए बुधवार रात से ही खेत के चारों ओर पहरा लगाया और सुबह सूचना मिलने पर अफीम के पेड़ों को काट करके कब्जे में ले लिया गया है। इस अभियान में पुलिस के साथ तहसीलदार हंडिया आकांक्षा मिश्रा, थाना प्रभारी हंडिया ब्रिज किशोर, राजस्व टीम और इमामगंज व बरौत चौकी की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। सुबह करीब 10:15 बजे इंस्पेक्टर हंडिया साहब का फोन आया कि तहसील के ग्राम नोनरा में श्री विजय चंद्र मौर्य पुत्र राममिलन द्वारा मौके गांव नोनरा में अफीम की खेती की जा रही है अवैधानिक रूप से। सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर हंडिया, थाना हंडिया की टीम और राजस्व की टीम मौके पर पहुंची है। इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। लगभग 10 बिस्वा भूमि पर अनुमानित 900-950 के आसपास अफीम के पेड़ पाए गए हैं, जिनको उखड़वा के आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हंडिया भी मौजूद हैं। जो भी आगे भविष्य में विधिक कार्रवाई होगी उसके संबंध में आपको अवगत कराया जाए। कितने पेड़ हैं मैम लगभग इसमें जो है? लगभग 900 से 950 के बीच।